नमस्कार, मैं सोमी शर्मा आपका शर्मा जी से पूछो के नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो सीधा चलते हैं शर्मा जी के पास। पूछिए। शर्मा जी, मैं बिना चश्मे के अखबार तो पढ़ लेता हूँ, लेकिन जब आपकी फोटो मेरे सामने आती है तो मुझे चश्मा लगाना पड़ता है, ऐसा क्यों? उसकी एक ही वजह है कि सूरज को कभी भी नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। अगर आपको देश का गृह मंत्री बनाया जाए तो आपका पहला कदम क्या होगा? पहला कदम मेरा यही होगा कि मैं कैसे प्रधानमंत्री बनूं। आपके मरने के बाद आपके सवालों का जवाब आपका बेटा देगा या आपकी पत्नी? ये इस बात पर निर्भर है कि मेरे मरने के बाद सवाल आपका बेटा पूछेगा या आपकी पत्नी। अगला सवाल, शेर का दिल रखने वाला मर्द औरत के सामने भीगी बिल्ली क्यों बन जाता है? क्योंकि मर्द का तो दिल ही शेर का होता है ना, औरत तो पूरी शेरनी होती है। महल बनाने वाले मजदूर हमेशा झोपड़ी में ही क्यों रहा करते हैं? अगर मजदूर इस देश में नहीं रहेगा तो महल में रहने वाले लोग भी झोपड़ियों में ही रहेंगे। शर्मा जी, मुझे उम्मीद है कि आप भारत में ही पैदा हुए होंगे और यहीं पर चलना, खेलना, घूमना, फिरना, पढ़ना सब कुछ यहीं सीखा है, लेकिन आपने भारत के लिए क्या किया? मैं भारत के लिए, मैं 45 में पैदा हुआ था, भारत बनाई मेरी वजह से उसके बाद। शर्मा जी, शादी करने के 2 लाभ और 2 हानियां बताइए। शादी करने के 2 लाभ तो एक ही है कि 1 की जगह 2 हो जाते हैं और 2 के 4 हो जाते हैं और 4 135 करोड़ हो जाते हैं, ये हानि है। कहावत है, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। अगर टेढ़ी उंगली से भी ना निकले तो क्या करना चाहिए? घी इतना ही अकड़ जाए ना तो फिर उसे तपा देना चाहिए। क्या आप 4 लाइनों में पत्नी का महत्व बता सकते हैं? 4 लाइन में महत्व तो नहीं बता सकता, पर 4 लाइनों में उसका आतंक जरूर बता सकता। शर्मा जी, राकेश कुमार इंदौर से पूछ रहे हैं, मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता हूँ उसके बाप ने एक शर्त रखी है कि शादी तभी होगी जब सुरेंद्र शर्मा को बारात में लेकर आऊं, और इधर मेरा बाप कह रहा है कि सुरेंद्र शर्मा आएंगे तो शादी नहीं होगी। शर्मा जी, मुझे कहाँ फंसा दिया आपने? फंसा क्या दिया, मैं तो फंस गया 2 पागलों के बीच में, तेरा बाप भी पागल और उसका बाप भी पागल। शर्मा जी, राष्ट्र की मृत्यु का कारण क्या होता है? राष्ट्र की जिंदगी का कारण भी उस देश में रहने वाली जनता होती है और राष्ट्र की मौत का कारण भी उस देश में रहने वाली जनता होती है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जब प्रेमी प्रेमिका पार्क में बैठे होते हैं तो वो घास ही क्यों तोड़ते हैं? तेरा क्या मतलब, वो दोनों आपस में एक दूसरे को तोड़े? शर्मा जी, अगर आपको मंदिर और मस्जिद के बीच में खड़ा कर दिया जाए तो आप पहले किस में जाएंगे? भाई, ना तो मैं उधर जाऊंगा, ना मैं मंदिर में जाऊंगा, ना मैं मस्जिद में जाऊंगा, मैं तो घर अपनी लुगाई के पास जाऊंगा। अगला सवाल, फूल कांटों में भी रहकर क्यों हंसते हैं? फूल कांटों में रहकर इसलिए हंसते हैं कि कांटे ही तो उसकी रक्षा करते हैं। राजेश जी पूछ रहे पटना से, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ लेकिन उसकी बहन भी मुझसे प्यार करती है, बताइए क्या करूँ? देख ले, और उसकी चचेरी बहन वगैरह भी हो तो उनसे भी प्यार करना शुरू कर दे। सुबह उठकर आप सबसे पहले किसका नाम लेना पसंद करते हैं, भगवान का या अपनी घरवाली का? मैं तो नौकर का नाम लेना पसंद करता हूँ, क्योंकि चाय तो वो ही लेकर के आता है। मैं दोस्तों की प्रेमिकाओं से तो बात कर लेता हूँ, लेकिन अपनी प्रेमिका से बात क्यों नहीं कर पाता? तेरी प्रेमिका से तेरे दोस्त बात कर लेते हैं। अगर आपका नाम मिट्टी में मिल जाए तो आप क्या करेंगे?
नाम ही मिला है ना, मैं तो नहीं मिला, मैं तो जिंदा ही रहूंगा।